वेलकम यू टू ये एन यू आर वॉचिंग विद स्टडी सो टूडे वी आर गोने स्टार्ट दिस प्लैक्नोलॉजी सो वॉट इज दिस प्लेंटनोलॉजी प्लैक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन राइट एंड इन दिस प्लैक्टनोलॉजी विल स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं सो काइंडली शो यूर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट टू दिसज वीडियोज एंड लेट्स बिगिन विद य माउथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इस प्लैक्टोलॉजी इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनैटमी जिसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो mouth part, siham start but before uh, starting the mouth, let's see the uh, organs which comes under the digestive system, right? so uh, first one is the mouth and pharynx, as you can see, and uh, we have the oral cavity, then we have the pharynx. so this is the mouth, then pharynx, then there is esophagus, this is the esophagus, and after esophagus we have the stomach. after stomach, we will go to the small intestine, and the part of a small intestine is the duodenum, and uh, after duodenum, we have the uh, jejunum part. So this is the jejunum part, okay. And after jejunum, we have the ileum part, okay. And uh, so here, small intestine ends. After a small intestine, uh, large intestine begins. So large intestine begins with the cecum portion, cecum, and then colon, and then rectum. So this is the complete uh, uh, the alimentary system, right? And uh, in this, we have uh, a few other.

So, mouth or the of oris is the first section of the alimentary canal and it is short but wide cylindrical cavity when closed. So, when you uh, see the mouth of, uh, of an ox, then you can uh, correlate with it that the mouth is a cylindrical cavity, kind of cylindrical cavity, right? So, this kind of uh, thing when it is closed and it is completely filled by the uh, contained structure as you can see here so th this is the structure of uh, uh, mouth of the horse but you can correlate with it so uh, the mouth is completely contained uh, by the structure except for a small space which remain between the root of the tongue so uh, this is the root of the tongue as you can see and soft palate so this is the soft palate एंड एपिगलॉटिस सो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि स्पेस देखने के लिए मिलेगा विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोसो एपिग्लॉटिक स्पेस सो दिस इज द ओनली स्पेस विच इज प्रजेंट इन दिस माउथ कैविटी एंड अदर स्पेस इज फिल्ड बाई द कंटेन डिज स्ट्रक्चर राइट एंड सो दिस इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोसोगलॉटिक स्पेस यू कैन सी हाउ इट इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस वी हैव द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ विच इज ऑल्सो नोन एज द रीमा ओरिस सो एंटीरियर ओपनिंग इज द

तो जो पोस्टीरियर ओपनिंग वो हमारी किसके साथ कम्युनिकेट करेगी फैरिंग्स के साथ, uh, के साथ uh, मतलब यहाँ पर हमारा कम्युनिकेट करेगी सो so, ये हमारा एंटीरियर ओपनिंग और पोस्टीरियर ओपनिंग हमने देख ली आपको एक मैं सिंपल वे में बता देता हूँ कि देखिए ये माउथ है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है ठीक है अब इस माउथ के अंदर सिलेंड्रिकल पोर्शन अगर मैं बनाता हूँ एज यू कैन सी सो यहाँ पर हमारी एक इसमें एंटीरियर ओपनिंग होगी और एक हमारी लेट्स सी ये एंटीरियर ओपनिंग है लेट्स सी ये पोस्टीरियर ओपनिंग तो एंटीरियर ओपनिंग इज क्लोज बाय लिप्स ठीक है तो यहाँ पर लिप्स आ जाएंगे एंड पोस्टीरियर ओपनिंग जो है वो कम्युनिकेट किसके साथ करेगी इट कम्युनिकेट विद द फायरिंग्स एंड दिस कैविटी इज़ लाइक सिलेंड्रिकल ओके सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड ओरल कैविटी इज डिवाइडेड सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बाई टीथ एंड एलिवर प्रोसेस सो यू ऑल नो अबाउट द टीथ लेट्स डिस्कस अबाउट द एलवुलर प्रोसेस

आपका ये एलवर प्रोसेस ये मिलकर के आपका क्या बनाते हैं ये मिलकर के आपका डिवाइड करते हैं सब डिवाइड करते हैं किसको ओरल कैविटी को अब दो पार्ट के अंदर सब डिवाइड करा जाता है ओरल कैविटी को आई विल शो यू दो पार्ट के अंदर सब डिवाइड करा जाता है यहाँ पर सो so, एक हमारा एक्सटर्नल पार्ट uh, होता है एंड एक हमारा इंटरनल पार्ट सो लेट्स लेट्स से कि uh, मान लीजिए ये आपका टीथ है ये पूरे टीथ हो गए और ये चीक्स हैं बाहर वाला पोर्शन चीक है तो टीथ और चीक के बीच का जो हमारा पोर्शन होता है दैट इज़ नोन एज दी वेस्टिब्यूल सो दिस पोर्शन इज नोन एज दी वेस्टिब्यूल सिंपल एक बार मैं और रिपीट करता हूं द एक्सटर्नल पार्ट बिटवीन द टीथ एंड चीक इज द वेस्टिब्यूल सो यहाँ पर मान लीजिए आपके एनिमल के या फिर ह्यूम्स के भी इवन यू कैन सी ये टीथ्स हैं और ये चीक्स हैं तो so, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है ठीक है uh, जब कभी फूड यहां पर हमारा आपने कभी फील करा होगा तो ये वाला जो स्पेस है दैट इज द वेस्टिब्यूल राइट विच इज एविडेंट वेन फूड एक्मलेट इन दिस स्पेस एंड द स्पेस इंक्लोज विद इन द टीथ एंड एलवर प्रोसेस इज द माउथ कैविटी प्रॉपर और द केवम और प्रोपियम तो जो आपका यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दिस वन दिस पोर्शन इज नोन एज द माउथ कैविटी प्रॉपर और केवम दिस प्रियम राइट सो दिस इज द केवम ऑर इज प्रोप्रियम या फिर माउथ कैविटी प्रॉपर तो जो भी आपके टीथ और एल्व्यूलर प्रोसेस के इस साइड है दैट इज द एक्चुअल माउथ कैविटी और यहाँ पर आपका वेस्टिब्यूल है सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ओके सो यहाँ पर आपको मैं जो चीज़ एक इमेज और दिखा देता हूँ और द माउथ कैविटी इज लाइन बाय द म्यूकस मेब्रेन विच इज़ पिंक इन कलर मोर और लेस पिगमेंटेड डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा वी विल डिस्कस दट एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द स्किन ऑफ मार्जिन ऑफ द लिप्स बिहाइंड इट इज कंटिन्यूअस विद द लाइनिंग ऑफ द फैरिंग्स सो दीज आर द जनरल थिंग्स विच यू नो सो so लेट्स uh, मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस करा सो एर्थ इज़ द वेस्टिब्यूल एज यू कैन सी दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज द वेस्टिब्यूल दिस पोर्शन इज द वेस्टिब्यूल राइट जो कि हमारा किस किस के बीच में आ रहा था अभी वेस्टिब्यूल हमारा चीक्स के बीच में और टूथ uh, के बीच में सो दिस पोर्शन इज द वेस्टिब्यूल ओके दिस इज स्पेस यू कैन सी एंड अपार्ट फ्राम दिस वी हैव द केवम और इस प्रोपियम और द माउथ कैविटी प्रॉपर सो दिस इज द माउथ कैविटी प्रॉपर ओके एंड दिस दिस पोर्शन इज दार्ड पैलेट यह आपका क्या है हार्ड पैलेट है हार्ड पैलेट एज यू कैन सी द सेकेंड पोर्शन इज दार्ड पैलेट तो हार्ड पैलेट आपको पता ही है ये फील भी हो जाता है एंड वी हैव दैपला इनसेवा दिस पोर्शन एंड पैलेंटाइन रिजज इस हार्ड पैलेट के ऊपर हमारी कुछ पैलन्टाइन रिजिज देखने के लिए मिलती हैं एंड पैलेंटाइन रैफे देखने के लिए मिलते हैं सो दीज आर दैलेंटाइन रैफे एंड दिस इज दैलटाइन दिज आर दैलेंटाइन रिजिज एंड देन वी हैव दॉफ्ट पैलेट सो दिस इज दॉफ्ट पैलेट जहाँ तक ये बोनी स्ट्रक्चर होता है दैट इज द हार्ड पैलेट और जहाँ पर ये बोनी स्ट्रक्चर एंड uh, होता है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट देन देयर वी हैव देंटाइल डेंटाइन आर्च सो द डेंटाइन आर्च इज़ फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टीथ्स राइट तो जो मिल करके हमारे ये टीथ uh, एक पूरा का पूरा वो बनाएंगे आर्क बनाएंगे दैट इज़ नोन एज द डेंटाइन आर्क तो यहाँ पर ही आपकी माउथ कैविटी होती है अब इसके बाद ये तो आपकी बात हो गई ऑक्स uh, की नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शीप एंड गोट सो ऑब्वियसली शीप एंड गोट ऑल्सो रिजेंबल द ऑक्स तो कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा ऑब्वियसली बात है कि साइज छोटा हो जाएगा नथिंग एल्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉर्स और इक्वाइंस सो द केवम और इस इज लॉन्गर एंड नैरोअर तो जो इसके अंदर हमारा uh, हमने देखा था कि जो प्रॉपर था माउथ कैविटी प्रॉपर था वो इसके अंदर लॉन्गर होगा नैरो होगा ऑब्वियसली क्योंकि जो इक्वाइंस का जो यू कैन से जो फेस है वो इलॉन्गेटेड होता है दैन द कैटल एंड वो फेलो एंड वेस्टिब्यूल इज लेस कैपेशियस यहाँ पर आपको जो कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी वेस्टिब्यूल की वो कम होती है इन कंपेरिजन टू द कैटल एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन मे बी पिगमेंटेड दैट इज़ द लिप्स एंड चीक्स नॉट लेट्स टॉक अबाउट द पिग अगर मैं पिग की बात करता हूँ तो जो रिमा औरस है इज़ एक्सटेंसिव आपने पिग का फेस देखा होगा पिक का फेस आप अगर सामने से देखेंगे तो पिक का फेस कुछ ऐसा होता है राइट कुछ ऐसा ठीक है तो ऐसा कुछ होता है पिक का फेस इसीलिए जो रिमा औरस है वो वहाँ पर हमारा कैसा है एक्सटेंसिव है एंड द एंगल ऑफ माउथ इज सिचुएटेड फॉर बैक नॉट्स टॉक अबाउट द डॉग दी फॉर्म एंड साइज वेरी इन डिफरेंट ब्रीड वी हैव डिफरेंट ब्रीड इन केस ऑफ डॉग्स Uh, मैं अभी ये चीज़ डिस्कस करूँगा फर्दर जब मैं बाकी ऑर्गन्स को भी uh, डिस्कस करूँगा बट डॉग के अंदर वी हैव डिफरेंट ब्रीड लाइक ब्रैकालियो ब्रैक्योसेफेलिक ब्रीड टीडियो ब्रीड सो आपने देखा होगा जो स्नाउट होता है डॉग्स के अंदर वो हर ब्रीड के अंदर अलग होता है लेट्स टॉक अबाउट दी सालोकी ब्रीड एंड दी पग सो पग का आपने देखा होगा पग इज़ अ ब्रैक्योसेफेलिक ब्रीड मतलब सामने से फ्लैट होता है पूरा ऑलमोस्ट राइट एंड वहीं पर अगर हम दूसरे डॉग्स के देखते हैं तो वो अलग होता है सो so, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर आ जाता है एंड रीमा और एक्सटेंसिव होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में भी पिगमेंटेड और लाइक दैट इन डॉग लाइक दैट इन एकवाइज सो रैबिट की मैं बात करूँ तो केवम औरस यहाँ पर भी हमारा इलोंगेटेड होता है लेट्स टॉक अबाउट द फाउल तो फाउल के अंदर जो केवम औरस है वो ट्राइंगर होता है आउटलाइन के अंदर सो so, ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि फाउल के अंदर जो केवम ऑरिसस है वो हमारा ट्राइंगर होता है दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ फाउल इज दैट कि यहाँ पर फाउल के केस में वेस्टिब्यूल हमारा इसमें एबसेंट होता है सो इन केस ऑफ फाउल वी डू नॉट हैव दिस वेस्टिब्यूल सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट वाई अब सोचिए ज़रा क्यों नहीं होता है क्योंकि जो चीज़ इस वेस्टिब्यूल और केवम और इस प्रॉब्लियम को बना रही थी इज द टीथ राइट सो अगर आप ख़ुद सोचिए कि फाउल के अंदर टीथ ही नहीं होते हैं उनके अंदर टीथ ही एबसेंट होते हैं तो ऑब्वियस ये कि वेस्टिब्यूल भी उनके अंदर एबसेंट होगा क्योंकि वहाँ पर नो टीथ सो so यहाँ पर आपका जो माउथ है वो कंप्लीट uh, होता है इसके बाद हम लिप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम चलेंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर हम हम डिस्कस करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दैन प्लीज प्रेज हम सप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी